जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बता दें, बिहार सिविल कोर्ट की जो नई भर्ती निकल करके आई हुई थी उसमें आप लोग का बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अपडेट क्या है, ये बिग अपडेट या आखिर क्या निकाला गया है आप लोग को बता दें साथियों। बिहार सिविल कोर्ट की नई वैकेंसी आई थी, इसमें जो है टाइपिस्ट एंड स्टेनो का आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, एंड इसके बाद अभी तक आप लोग का क्लर्क एंड प्यून का जो एग्ज़ाम है ये पेंडिंग में अभी तक रखा गया है। आखिर क्यों रखा गया है, तो देखिए आयोग के द्वारा यहाँ पर सीट बढ़ोतरी को लेकर के बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था, बट अभी तक ऐसा कुछ जो है फाइनल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था सीट बढ़ोतरी को लेकर के कि कितने सीट को बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी के सेशन में हम आप लोग को देने वाले हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है। ये हम आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी दिखला देंगे, एंड साइट भी बता देंगे जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हम टेलीग्राम पर भी अपने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बता दें कि जब ये वैकेंसी आई हुई थी बिहार सिविल कोर्ट की, ठीक है, तो इसमें स्टेनो का हो गया, टाइपिस्ट का हो गया, उसके बाद क्लर्क का हो गया, प्यून का हो गया, चार पोस्ट पर वैकेंसी थी। टाइपिस्ट एंड स्टेनो का आप लोग का पहले जो है बस एक एक स्टेप बचा हुआ है, उसके बाद इन लोगों का फाइनल जो है मेरिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर अभी तक क्लर्क एंड प्यून का जो है कुछ भी नहीं किया गया है, और नहीं तो क्या किया गया, तो बीच में क्लर्क एंड प्यून का कुछ कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया गया है। बता दें हम साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि क्लर्क और प्यून में बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म को भी रिजेक्ट किया गया था। अभी से कुछ दिन पहले ही हम आप लोग को वीडियो बनाए थे, उसमें हम आप लोग को पीडीएफ भी उपलब्ध कराए थे, जिसमें कि सभी रिजेक्टेड लिस्ट का नाम वहां पर दिया गया था कि किसका किसका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो वो भी अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉमेंट करिएगा, हम आप लोग को जो है वो भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं उसमें भी जा करके कि आप लोग का रिजेक्ट हुआ है या नहीं। चलिए अब आगे आप लोग को ऑफिशियल नोटिस दिखला दे साथियों, ऑफिशियल नोटिस क्या कह रहा है। अभी के ऑफिशियल नोटिस में हम लोग देखेंगे कि नया नोटिस क्या है, एंड एग्जाम हम लोग का कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है एग्जाम कब होगा, तो आप लोग को सारा यहां पर क्लियर कर देंगे। देखिए ये जो है ये नोटिस आप लोग का ऑफिशियल निकल करके आया है साथियों, आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये आप लोग का कब वैकेंसी आया हुआ था, ये सब आप लोग का टोटल डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए कब आप लोग का ये नोटिफिकेशन आया था, देखिए 19/4/2024 को ये आप लोग का नोटिफिकेशन आया था। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कल जब मैं अपडेट ऐसे ही चेक कर रहा था कि आखिर सिविल कोर्ट का अपडेट क्या आया हुआ अभी तक, तब हमने देखा कि 19/4/2024 को आप लोगों का एक नया अपडेट किया गया है आयोग के द्वारा। जब सिविल कोर्ट का ऑफिशियल साइट पर जाएगा तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये कह रहा है ना, पहले जो है ये मतलब पूरे हम तो ये जैसे जो नोटिस है इसको अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, वहाँ पर आप लोग लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मेन हम आप लोग को पॉइंट बता दें कि ये नोटिफिकेशन में कहा क्या जा रहा है, आखिर इसका क्या कहना है, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन में जो है आप लोग को कुछ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बोले तो यार 5 से 10% आप लोग के लिए खुशी की बात है, ठीक है, ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। क्योंकि देखिए 1673 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर था, ठीक है, प्यून के लिए टोटल आप लोग का, तो इसमें जो है 1796 सीटों पर वैकेंसी कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर सीट की बढ़ोतरी की गई है, एंड ये भी कितना, तो मात्र भैया 123 ही होगा ना, हाँ चलिए इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, हाँ 123 होगा, 123 सीटों पर आप लोग का जो है वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। तो बताइए कितना बड़ा खुशी है भैया, 123 सीट बढ़ा करके क्या ही कर लिए यहाँ पर, कम से कम बढ़ाना चाहिए था, 500 1000 कम से कम बढ़ाना चाहिए था, बट यहाँ पर सीट जो है बहुत कम बढ़ाया गया है। वहीं है मिला जुला करके थोड़ी सी खुशी की बात है कि 123 सीटों पर जो है आप लोग की वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए 1673 सीटों पर वैकेंसी था, एंड 1796 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी कर दिया गया, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा बड़ा इसमें और कुछ नहीं कर रहा है। और आप लोग को बताते साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स है कि इसका एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो एग्जाम को लेकर के आप लोग को बता दे साथ, आप सभी को पता है कि टाइपिस्ट एंड स्टेनो का पहले सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, बस एक एक स्टेप बचा है, उसके बाद उन लोग का भी सारा मतलब फाइनल हो ही जाएगा। तो उन लोग का तो भैया अभी इलेक्शन में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इलेक्शन बाद ही उनका कुछ होगा, ठीक है। एंड यहीं पर बात करें प्यून एंड क्लर्क का, तो भैया प्यून एंड क्लर्क में अगर नहीं भी खींचेगा ना, तो इतना आप लोग जानिए ना कि लगभग जून जुलाई तो ले ही लेगा, ठीक है, जून जुलाई तो पक्का ले ही लेगा। मतलब कि सारा चीज इलेक्शन के बाद ही अब आप लोग का कुछ भी होगा, मतलब एग्जाम जो भी प्यून एंड क्लर्क का एग्जाम है
ये भी अब आप लोग का इलेक्शन के बाद ही होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, ये तो सरकार का एक कहानामी है कि भैया हम फॉर्म दे दिए, अब आप लोग 5 साल प्रिपरेशन करिए, 5 साल के बाद एग्ज़ाम देने आइएगा, जब जब आप लोग जो है गांव में जाकर के लास्ट में खेती करिएगा तब देगा उधर से एडमिट कार्ड कि हाँ भैया आइए एग्ज़ाम दे दीजिए, यही कहना रहता है एग्जाम आयोग का, ठीक है। तो चलिए मिला जुला करके यही बात है कि 123 सीटों पर आप लोग की सीटों की जो है बढ़ोतरी की गई है, और उससे ज़्यादा कुछ जानकारी दिया नहीं गया है। एग्ज़ाम का बात करें तो इलेक्शन बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने का संभावना है, ठीक है। स्टेनो एंड टाइपिस्ट का भी जो है आप लोग का इलेक्शन के बाद ही है, इनका भी क्लर्क एंड प्यून का भी आप लोग का इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा साथियों, उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए हमारे द्वारा दी गई अपडेट अगर आप लोग को अच्छी लगती है साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड आप लोग को बतला दें हम कि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं, और बीच में ऐसे छोटे छोटे कुछ भी बदलाव किए जाते हैं तो ये सारे बदलाव की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।